प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे, प्रवक्ता चार्टर्ड इंटर कॉलेज विश्वास सीतापुर। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हम लोग अमोनिया के निर्माण से प्रारंभ करते हैं। इसको हाइपरबिस से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। इसमें सबसे पहले सिद्धांत देखते हैं। N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3, जिसमें Fe उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया है, आयरन चून मॉलिब्डेनियम उत्प्रेरक बाधक है। ये अभिक्रिया, इसमें यहाँ आप देखेंगे ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है -46.1 किलो जूल प्रति मोल। ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अधिक अमोनिया उत्पादन के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। लासादरिये के नियम से इस अभिक्रिया में अमोनिया का अधिक उत्पादन हो, इसके लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। परंतु यहां टेम्परेचर आप देख रहे होंगे 700 केल्विन, तो 700 केल्विन भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अनुकूलतम ताप है। इस ताप पर अमोनिया का प्रोडक्शन अधिक से अधिक होता है। उच्च दाब, अमोनिया अधिक से अधिक मात्रा में बने, इसके लिए दाब अधिक से अधिक होना चाहिए। इसके लिए 200 वायुमंडलीय दाब रखा जाता है, ये अनुकूलतम दाब है। साथ ही साथ नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अधिक सांद्रता अमोनिया के अधिक उत्पादन में सहयोगी होती है, और Fe चून उत्प्रेरक के रूप में और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में उपस्थित होता है। ऐसी कंडीशन में अमोनिया का उत्पादन अधिक से अधिक होता है। अब इसकी प्रक्रम क्रियाविज में आ जाते हैं कि कैसे इसका निर्माण हुआ है। इसमें आप देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 लेकर के कंप्रेसर पंप से हम इसको 200 वायुमंडल दाब पे पहुंचा करके इसको उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। यहाँ पर इस उत्प्रेरक कक्ष में आयरन चून से भरा हुआ है। यहाँ पर रिएक्शन के बाद अमोनिया आगे चल करके इस संघनित्र में पहुंचती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको हमने जिगजाग टाइप में हमने गली को बना रखा है, इससे मैक्सिमम उसका सर्कुलेशन होने का उसको मौका मिले, इसलिए इसके कॉयल के रूप में होता है। और निचले हिस्से से इसमें पानी को सर्कुलेट करते हैं, ठंडे पानी को ऊपर से गर्म होकर निकलता जाता है, और इस ठंडा होने की वजह से जो गैस के रूप में अमोनिया यहाँ उपस्थित होती है वो द्रवित होकर के लिक्विड अमोनिया के रूप में यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। ऐसा संभव नहीं है कि 100% N2H2 आपस में रिएक्शन करके अमोनिया में बदल गई हो। जो अनरिएक्टेड जो क्रिया में क्रिया करने से बच गई होती है, वो गैस वापस इस सर्कुलेशन पंप से दे करके फिर से उच्च दाब पर उसको भेज करके यहाँ उत्प्रेरक कक्ष में ले आते हैं और इस प्रोसेस को फिर से प्रारंभ करते हैं, जिससे अधिक से अधिक अमोनिया प्राप्त हो जाती है। तो आपको पहले भी बताया था कि सिद्धांत, विद और चित्र, ये तीन पार्ट होते हैं किसी भी प्रयोगशाला के प्रक्रम के लिए या औद्योगिक निर्माण के प्रक्रम के लिए। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में हम अमोनिया की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अमोनिया गैस तीक्ष्ण गंध वाली होती है, रंगहीन है। अगर आप इसको सूंघते हैं तो सूंघने से आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इस गैस को उच्च दाब पर और निम्न ताप पर द्रवित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जल में इसकी विलेयता होती है। पहले से आपको 11 क्लास से ही आपको इसका पता है कि अमोनिया
जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाती है, इसलिए उसमें विलेय हो जाती है। अब अमोनिया के विलेयता में इस पर दृष्टि डालते हैं। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि अमोनिया सहसंयोजी यौगिक होता है, सहसंयोगी होने के कारण वो विद्युत का उचालक होता है, लेकिन द्रव अमोनिया जब ये पानी में घुल जाती है एक्वस NH4OH द्रव अमोनिया, अब ये द्रव में आयनों में विभाजित हो गई है, आयनित हो गई है, तो ये विद्युत धारा का प्रवाह होने देती है, अर्थात आयनिक हो जाने पर ये विद्युत की सुचालक हो जाती है। अब अमोनिया की क्षारकता, अमोनिया एकाग्र युग्म की उपस्थिति के कारण क्षार के रूप में व्यवहार करती है। क्या आपने यहाँ देखा जलीय विलयन में OH- माइनस आयन दे रही है, तो ये क्षारकता प्रदर्शित कर रही है। इसका मतलब ये अम्ल से क्रिया करके लवण बनाएगी। तो यहाँ आप देखें अमोनिया HCl से सार HCl से रिएक्शन करके NH4Cl बना रही है। यह NH4Cl का सफेद धुआं उत्पन्न होता है। इस रिएक्शन का हम अमोनिया और अमोनियम आयन दोनों के परीक्षण में प्रयोग करते हैं, तो इस सफेद धुआं से पहचान हो जाती है कि अमोनिया की उपस्थिति भी पता चल जाती है और अमोनिया का भी परीक्षण हो जाता है। इसके परीक्षण का एक और अच्छा तरीका है नेचुरल अभिकर्मक K2HGI4। इसके साथ में अमोनिया और अमोनियम आयन भूरा अवच्छेद देते हैं, जिससे भी हम लोग अमोनिया की पहचान कर लेते हैं। इसके अगले हिस्से में इसके आगे आप देखिए अमोनिया एल्यूमिनियम क्रोमियम और आयरन इनके साथ इनके हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। उसके लिए आप देखें एल्यूमिनियम लवण मैंने ले रखा है NH4OH के साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से क्रोमियम के कोई लवण वो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के रूप में ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाते हैं, आयरन के कोई भी लवण स्पेशली जो फेरिक के लवण होते हैं, फेरस के लवण नहीं, फेरिक के लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में भूरा अवच्छेद बनाते हैं। आप इन दोनों के रिएक्शन ठीक इसी पैटर्न पे आप लिख लेंगे। अगला पॉइंट ऑक्सीकरण, अमोनिया वायु द्वारा कैटलिस्ट प्लैटिनम की उपस्थिति में 500 केल्विन टेम्परेचर पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है। इस वाली इक्वेशन का हम लोग आगे नाइट्रिक एसिड के ओस्टवाल प्रक्रम में प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान आप रखेंगे। अगला पॉइंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जटिल यौगिक का निर्माण, ये वाला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अमोनिया के पार्ट से अगर कोई रिएक्शन पूछा जाता है तो प्रायोरिटी पर यही जटिल यौगिक फॉर्मेशन वाले रिएक्शन होते हैं। जटिल यौगिक क्या है? कॉपर सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करके टेट्रामीन कॉपर सल्फेट बनाता है। इस इक्वेशन को अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में दर्शाएंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। कभी कभी यही रिएक्शन पूछी जाती है, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, तो उस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, कॉपर सल्फेट जलीय विलयन एक्वस अमोनिया कॉपर टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, डार्क ब्लू कलर इसका आ जाता है। अगर इसको तीसरे पैटर्न पर भी लिखना है तो ये इक्वेशन दो टुकड़ों में लिखी जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, तो पहले पार्ट में 2NH4OH से रिएक्शन कराएंगे, जिसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड का अवच्छेद मिलेगा, उस कॉपर हाइड्रोक्साइड अवच्छेद को
दूसरे पार्ट में फिर से जब रिएक्शन कराएंगे तब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को, जटिल रिएक्शन को आप तीन तरीके से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको कैडमियम सल्फेट की जो रिएक्शन लिखनी होगी, ठीक कॉपर को रिप्लेस करके आप लोग कैडमियम लिख देंगे। अब सिल्वर नाइट्रेट के, सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन NH4OS मीन्स अमोनिया सॉल्यूशन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके डाइअमीन सिल्वर नाइट्रेट ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि जली सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, तब हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, NH4OH की जगह पर NH3 लिख देंगे और डाइअमीन सिल्वर नाइट्रेट ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स को जटिल यौगिक भी कहते हैं, संकर यौगिक भी कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे सिल्वर क्लोराइड के साथ में रिएक्शन पूछ ली जाए तो आप सिल्वर नाइट्रेट में NO3 की जगह पर Cl को रिप्लेस कर देंगे, ठीक इसी तरीके से आपको रिएक्शन लिख देना है। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से निश्चित ही कोई कोई रिएक्शन एक पूछी जाती है। अब अमोनिया के लास्ट पार्ट में उपयोग पर हम लोग आते हैं। अमोनिया प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है। अभी पहले मैंने बताया था कि ये यहाँ पर एल्युमिनियम लवण, क्रोमियम लवण, आयफेरिक लवण, ये सभी के जो क्षारीय मूलकों के परीक्षण में जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षय प्राप्त होते हैं। कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक बनाने में, प्रशीतक और नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इस तरीके से अनेक जो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अमोनिया की संरचना आप लोगों ने 11th में पढ़ी थी, लेकिन फिर भी एक बार आप इस पर नजर डाल लें कि अमोनिया पिरामिडी संरचना होती है। इसका sp3 संकरण है और इस पर एक लोन पेयर उपस्थित होता है, इसीलिए क्षारीय इसकी प्रकट होती है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है, लोन पेयर की उपस्थिति के कारण 109°28' की जगह पर 160° होता है। अब NH3 के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नाइट्रिक एसिड है, HNO3। HNO3 का हम लोग निर्माण देखेंगे। नाइट्रिक एसिड को सोडे का अम्ल भी कहते हैं। सोडे का अम्ल इसलिए नाम इसका पड़ा है क्योंकि HNO3 को जो सबसे पहले बनाया गया था तो सोडियम नाइट्रेट मतलब सोडा, चिली सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट जो इंडियन सोडा होता है, इंडियन साल्पीटर, उसको 7H2SO4 के साथ में आसमान करने पर नाइट्रिक एसिड प्राप्त करते थे, इसीलिए सोडा से इसका नाम पड़ गया सोडे का अम्ल। ये तो प्रयोगशाला में बनाने का इसका तरीका है, लेकिन जब हम बड़े स्केल पर इसको बनाएंगे यानी औद्योगिक निर्माण करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं, बर्कलैंडाइट विधि, इसको आर्क विधि भी कहते हैं, और दूसरी है ओस्टवाल विधि। लेकिन हम लोग बर्कलैंडाइट विधि का प्रयोग बहुत कम करते हैं। इसका कारण क्या है कि इसमें बिजली का प्रयोग होता है, टेम्परेचर 2000 से ऊपर का उत्पन्न करना होता है तो इससे बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है, तो ये प्रोसेस बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए बर्कलैंडाइट विधि की जगह पर ओस्टवाल विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें नाइट्रिक एसिड का जो बनाने का प्रक्रम होता है वो सस्ता होता है, इसलिए ओस्टवाल विधि का प्रयोग करके हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। इस ओस्टवाल विधि को, ओस्टवाल प्रक्रम को अभी मैंने आपको बताया था कि अमोनिया के ऑक्सीकरण के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनाया है, इसी वाली इक्वेशन का प्रयोग करके हम लोग ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक एसिड का निर्माण करेंगे।
अगली रिएक्शन देखिए, पोस्ट मॉर्बिड में अमोनिया प्लेटिनम की जानी से अमोनिया और वायु का मिश्रण, इसको हम 1:10 में लेकर के इस उत्प्रेरक कक्ष में प्रेषित करते हैं या भेजते हैं। यहाँ पर ये गैस आकर के इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है, और इसके आगे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये कूलर है, जो यहाँ चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो गैस को ठंडा किया जाता है। यहाँ से गैस ठंडी होकर के एनो और वायु का मिश्रण ये यहाँ से चल करके ऑक्सीकारक कक्ष में पहुंचता है। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का ऑक्सीकरण होता है। देखिए उत्प्रेरक कक्ष में आपने देखा था यहाँ पर अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ था, और इस जो ऑक्सीकारक कक्ष इसको दिखाया गया है यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का NO2 गैस में ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जब NO2 गैस बन जाएगी तो इसको ऑक्सीकारक कक्ष से ले जा करके इसको अवशोषक कक्ष में ले जाते हैं। यहाँ पर आप देखें इसमें ये जो टुकड़े भरे हुए क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए हैं, और ऊपर से पानी ड्राप वाइज बूंद बूंद करके टपकता रहता है। इस पॉइंट को जरा आप समझ लें, देखिए गैस हमेशा निचले हिस्से से पास की जाती है और इन टुकड़ों के बीच से धीरे धीरे जो छोटा छोटा स्पेस है इनमें से ऐसे होती हुई ऊपर जाती है, और ऊपर से जो पानी टपकता है वो धीरे धीरे इन्हीं जगहों से होते हुए पास होते हुए नीचे आता है। तो गैस और पानी को एक दूसरे में संपर्क में रहने का बहुत लंबा समय मिलता है, अर्थात पानी में NO2 गैस को अवशोषित होने का मौका अधिक से अधिक मिलता है, और घुल जाने के बाद में जो नाइट्रिक एसिड होता है ये ड्रॉप वाइज यहाँ नीचे गिरता है और निचले पार्ट में यहाँ टैंक में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ देखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O में घुल जाने के बाद नाइट्रिक एसिड में बदल गया, अर्थात पोस्ट वॉल्व से हमको नाइट्रिक एसिड प्राप्त हो गया। अब नाइट्रिक एसिड के हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं, पहले इनके कुछ भौतिक गुण देख लेते हैं फिर रासायनिक गुण की तरफ हम लोग आएंगे। यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और जल में बहुत आसानी से विलय हो जाता है, क्योंकि यह आयनिक है, अकार्बनिक यौगिक है, त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट भी जानना जरूरी है, जब हम लोग लैब में काम करते हैं तो अक्सर देखते हैं कि हमारे हाथ पीले हो गए। पीले हो जाने का मतलब निश्चित ही आपका नाइट्रिक एसिड से हाथ का संपर्क हुआ है। नाइट्रिक एसिड संपर्क में आएगा तो एक दिन के बाद में आपको लगेगा आपके हाथ पीले हो गए हैं। इसको जैंथोप्रोटिक टेस्ट कहते हैं, ये प्रोटीन का एक परीक्षण होता है, इससे पता चल जाता है कि आपके हाथ में प्रोटीन है। हम लोग जानते हैं कि हमारी जो स्किन होती है सेल्स होती है प्रोटीन की बनी होती है। अब रासायनिक रिएक्शंस पे आते हैं हम लोग। देखिए जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड अगर बॉटल में रखा हुआ है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है या वहां पर टेम्परेचर बढ़ गया है तो नाइट्रिक एसिड अपघटित हो जाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और पानी में डिसोसिएट हो जाता है, एवक्त हो जाता है। ये भी बहुत खास बात है, जैसे नाइट्रिक एसिड जब लंबे समय तक रखा रहता है लेबोरेटरीज में तो आप बोतल में देखेंगे धीरे धीरे पीला पड़ जाता है, उसकी यही वजह है। क्योंकि लेबोरेटरी जब बंद रहती है लंबे समय तक, उसके बाद में जब आप अगले सत्र में आप आते हैं तो वो बोतल आप देख रहे हैं पीली पीली दिख रही है जो पिछले साल बिल्कुल सफेद थी। वजह क्या है? रखे रखे नाइट्रिक एसिड धीरे धीरे NO2 में बदल गया है, इसी NO2 के बन जाने के कारण आपका नाइट्रिक एसिड पीला पीला दिखने लगता है। अब नाइट्रिक एसिड इसमें शब्द जुड़ा हुआ है तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये अम्लीय गुण कैसे प्रदर्शित करता है। नाइट्रिक एसिड जल में घुलनशील है, घुल करके हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रिक आयनों में टूट जाता है। जब हम बहुत सरल ढंग से लिखते हैं तो नाइट्रिक एसिड को सीधे सीधे H+NO3- में लिख देते हैं,
लेकिन ये भी हमको सबको याद रखना जरूरी होता है कि जो प्रोटॉन होता है, जो जलीय विलयन में प्रोटॉन अकेले अस्तित्व नहीं रहता है, तो तुरंत ही जल के साथ में जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अब जब ये अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब ये क्षार और क्षारीय ऑक्साइडों के साथ में लवण बनाएगा। तो एक इसका उदाहरण मैंने ले लिया है, अगर एग्जामिनेशन में NaOH की जगह पर कोई दूसरा भी क्षार आ जाए या ऑक्साइड हो तो उसके साथ में आप इसी तरीके से आप बैलेंस करके क्वेश्चन लिख देंगे। तो देखें ये एसिड है बेस के साथ में, ये साल्ट बन गया, लवण और जल बन गया है, तो ये इसका अम्लीय गुण प्रदर्शित होता है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण इसका गुण है वो है ऑक्सीकारक गुण। नाइट्रिक एसिड प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में जाना जाता है और इसका बहुत ही प्रभावशाली ऑक्सीकरण प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे कार्बनिक यौगिक हो या फिर अकार्बनिक यौगिक। इसमें आप जरा देखें, नाइट्रिक एसिड अगर कंसंट्रेट है तो NO2 वाटर और एक नवजात ऑक्सीजन देता है, यही नवजात ऑक्सीजन किसी दूसरे को ऑक्सीकरण करने में मदद करता है। अगर नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है तो यही प्रक्रिया इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड वाटर के साथ में तीन नवजात ऑक्सीजन बनेंगे, ये नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीकरण का कार्य संपन्न करते हैं और नाइट्रिक एसिड का जो ऑक्सीकरण का प्रक्रिया है ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, मतलब पदार्थों का भी ऑक्सीकरण करता है, उपधातुओं का भी ऑक्सीकरण करता है, धातुओं का भी ऑक्सीकरण करता है। और यहां पर आप देखेंगे कि ये ऑक्सीकरण का जो ऑक्सीकरण है इसमें डाइल्यूट ठंडा और गर्म सांग इन सब के साथ अलग अलग तरीके से इसमें प्रोडक्ट बनेंगे, कभी किसी में NO2, किसी में नाइट्रिक ऑक्साइड, किसी में अमोनियम नाइट्रेट, किसी में N2O, इस प्रकार से यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे। इसके अलावा जो धातुएं होंगी उन धातुओं को हम दो पार्ट में बांट करके इसका ऑक्सीकरण देखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर की जो धातुएं होती हैं उनके साथ ऑक्सीकरण का प्रक्रम अलग तरीके से दिखेगा, और जो हाइड्रोजन के नीचे इनका स्थान होता है यानी कम क्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनका ऑक्सीकरण का पैटर्न दूसरे ढंग का होता है। इसको हम इसके आगे पढ़ते हैं, अगली रिएक्शन धातुओं से ऑक्सीकरण में देखें फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, ये सभी नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीकरण होने के बाद एसिड बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक फास्फोरस से रिएक्शन मैंने दिखाया है, फास्फोरस नाइट्रिक एसिड के साथ में फास्फोरिक एसिड NO2, तो फास्फोरिक एसिड यहाँ पर बन रहा है। अब एक चीज और आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने सिंगल परमाणु बनाया है और आणविक अवस्था में P4 लिखेंगे, अगर हम बुक में P4 के क्वेश्चन कहीं लिखी देखते हैं तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप P4 से लिखेंगे तो इसको इक्वेशन को 4 से बस मल्टीप्लाई कर देना है, आपकी इक्वेशन बन गई। हो सकता है आप कहीं देखें SH से रिएक्शन लिखी हुई है और कहीं पर सल्फर से सिंगल लिखी हुई होगी, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, SH से लिखी हुई है, SH लिखनी तो आप H को डिवाइड कर दीजिएगा, अगर SH से लिखा हुआ है लिखना है आपको तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसी तरीके से आयोडीन के साथ में अधातुओं के साथ, उसके बाद में उपधातुओं के साथ में आर्सेनिक एंटीमनी इनके साथ में एसिड्स बनते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए आर्सेनिक के साथ यहाँ क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है और इसी तरीके से आप एंटीमनी की सेम क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये आर्सेनियस एसिड बना हुआ है धातुओं के साथ।
अभी पहले ही हमने आपको बताया था कि धातुओं के साथ ऑक्सीकार की बहुत वैरायटी होगी, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, इसका बहुत ही वेरिएशन ज्यादा है। तो धातुओं में दो कैटेगरी मुख्यतः पहले हम लोग कर लेते हैं, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थान रखते हैं, अर्थात हाइड्रोजन से अधिक धन विद्युती है, और दूसरी कैटेगरी बनाएंगे जो हाइड्रोजन से कम धन विद्युती है, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में उनका नीचे स्थान है। इसमें फिर से एक कैटेगरी आएगी कि जो नाइट्रिक एसिड है उसकी प्रकृति कैसी है, डाइल्यूट है, ठंडा है, गर्म है या सांद्र है। एक करके हम देखते हैं, अगर बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो इसमें देखिए, इसे मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया है, इसमें मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त हो रही है। अब जितने नेक्स्ट आप देखेंगे उनमें हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगी, क्योंकि वहां पर नाइट्रिक एसिड का स्वरूप प्रकृति बदल रही है, ठंडा और तरलिया, तो इसमें हम जिंक, टिन, आयरन, मैग्नीशियम, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछी जा सकती है या लिखी जा सकती है। इसमें जिंक का एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, जिंक चार जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ में जिंक नाइट्रेट बनाएंगे, और यहां देखें इसमें अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें नाइट्रेट के साथ में जो HNO3 परिवर्तित हुआ है, किसमें हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट में। अब हमने इस नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट ठंडे से गर्म में बदल दिया, तो गर्म और तनु है। यहाँ फिर से हमने जिंक का एग्जाम्पल इसीलिए लिया है कि आपको इसका वेरिएशन समझ में आ जाए, जिंक 10 जिंक 4 जिंक 10 नाइट्रिक एसिड 4 जिंक नाइट्रेट, और यहाँ पर देखें इस बार अमोनियम नाइट्रेट नहीं बना हुआ है, यहाँ N2O का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने नाइट्रिक एसिड को ठंडे से गर्म कर दिया है, यहाँ भी डाइल्यूट था अभी भी डाइल्यूट है, केवल उसकी प्रकृति आपने बदल दी है। अब अगर हम इसको डाइल्यूट से सांद्र में बदल देते हैं, सांद्र लेने पर यहाँ भी जिंक से रिएक्शन, मैग्नीशियम से, बिस्मथ, लेड, आयरन, इस सब से, तो यहाँ आप देखेंगे N2O की जगह अब यहाँ पर संपर्क NO2 का फॉर्मेशन होगा या चेंज हो गया। इसमें फिर मैंने जिंक का एग्जाम्पल लिया जिससे आपको समझ में आ जाए कि देखिए कि HNO3 की प्रकृति बदलने पर क्या वेरिएशन हो रहा है, जेजन और HNO3 या जिंक का नाइट्रेट और पानी के साथ में NO2, क्योंकि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन हो रही तो धातुओं के नाइट्रेट तो सभी में बनेंगे, बस परिवर्तन कहाँ होना है, कभी अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, कभी N2O बनेगा, कभी NO2 बनेगा, कभी NO बनेगा। और अगला स्टेप देखते हैं, अगर हमने सांद्र लिया है तो ऐसा नहीं कि सारी धातुओं से रिएक्शन कर लेंगे, जैसे आयरन, क्रोमियम, निकेल, एल्यूमिनियम, ये धातुएं हैं, ये इसमें निष्क्रिय हो जाती हैं, उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड डाला गया तब उसमें रिएक्शन नहीं करता है, वो निष्क्रियता प्रदर्शित करता है। निष्क्रियता प्रदर्शित करने का कारण क्या है, जैसे उसमें नाइट्रिक एसिड उसके संपर्क में आता है तो पहले रिएक्शन करके ये उसकी सतह के ऊपर उस धातु का ऑक्साइड बना लेते हैं। अब ऑक्साइड की एक लेयर बन गई, अब उस लेयर की बन जाने के बाद में ऊपर से नाइट्रिक एसिड चाहे जितना भर दिया जाए, अब उसका कोई भी उस धातु से संपर्क नहीं होगा तो उसकी रिएक्शन का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो इस पॉइंट को भी आप बहुत ठीक से तरीके से ध्यान रखेंगे, तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है, क्या कारण है, तो इसको आपको यही जवाब उसमें देना है।